देखिए, ये जो बंदी कल रैबिट एंटीजन टेस्ट हुआ था उसमें कारागार की जो मुख्य कारागार है, एक अस्थायी कारागार टिपरी जेल चौबेपुर में बनाई गई, तो वहाँ जो नए बंदी आते हैं किसी भी अपराध में उनको सर्वप्रथम वहाँ पर दाखिल किया जाता है और वहाँ उनको टेस्ट कराने के पश्चात निगेटिव रहता है तो वहाँ दाखिल करते हैं, तो वहाँ के क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के पश्चात उनको मेन जेल में लाया जाता है और मेन जेल में भी एक क्वारंटाइन सेंटर पहले से बना हुआ है, वहाँ उनको रखा जाता है और पुनः उनकी कोविड की जांच पुनः मेन जेल में भी कराई जाती है। तो जो बंदी नए आए थे, जब यहाँ इस जेल पे हमने टेस्ट कराया कल, तो उसी में से 9 पुरुष 1 महिला कल पॉजिटिव आए हैं। और चूंकि जेल में पहले से ही 11 हॉस्पिटल स्थापित है सीमो साहब डीएम साहब के माध्यम से, उसमें डॉक्टर की टीम पैरामेडिकल की टीम पहले से है, तो उनको हमारा जो 11 हॉस्पिटल है उसको मैंने उन लोगों को मैंने उसमें शिफ्ट करके एलोपैथ की दवा एवरबैक्टीन है या जो भी एलोपैथ की दवा उससे संबंधित है वो है, प्लस आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन है, हल्दी वाला दूध है, काढ़ा है, गर्म पानी है, वो सारी सुविधाएँ, वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जा रही। और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि वो दसों के दसों सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी में कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं है या कोई ऐसा गंभीर रोगी नहीं है कि उसमें किसी प्रकार की कोई सोचने की बात विशेष हो। सर, वहाँ पे भी टेस्ट हुआ था, चौबेपुर में भी उनका टेस्ट हुआ, तो वहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है ना, वहाँ पे कभी रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है तो समाज में भी या जगहों और जगहों पे भी होता है, तो मान लीजिए आज नेगेटिव हैं तो 4 दिन के बाद कराएं तो हो सकता है किसी के संपर्क में आए हों पॉजिटिव हो गए, तो वो इसीलिए प्रिकॉशनरी, हम लोग वहाँ टेस्ट होने के बाद निगेटिव रहते तो यहाँ इसीलिए हम लोग पुनः कराते हैं कि अगर यहाँ कोई इस टाइप की संभावना है तो पकड़ में आ जाए, और उसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पे कराते हैं। वो चीज़ें जो है चार्ट आउट हुई निकली हैं तो 11 हॉस्पिटल है उसमें रखा गया है, सारी जो है उनको दवाइयाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं उपलब्ध कराई जा रही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।